नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। डॉक्टर अदीश अग्रवाल, एडवोकेट ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा कि वो चाइना से निकले इस प्राण घातक वायरस के खिलाफ एक उचित एक्शन ले और हर तरीके का नुकसान जो हमारे देश को इसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है इसके लिए क्लेम करें। क्या कहा डॉक्टर अदीश अग्रवाल जी ने, आइए देखते हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है जिसमें हमने उनसे दरख्वास्त की है कि इमीडिएटली सीपीसी का सेक्शन 86 को हटाया जाए ऑर्डिनेंस के द्वारा, ताकि हिंदुस्तान के आम आदमी, वकील भी, बिजनेसमैन भी, सर्विस पेशा, हर सिटीजन चाइना के खिलाफ डैमेजेज का सूट फाइल कर सके, क्योंकि सेक्शन 86 सीपीसी के होने के नाते जो है कोई भी फॉरेन कंट्री के ऊपर कोई सूट नहीं फाइल कर सकते इस तरीके का। इसलिए ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना ने कोरोना वायरस को बनाया, उसको स्प्रेड करा और उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में उसको सप्रेस किया। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट हर सिटीज़न को जो है मुआवजा देने के उनकी ड्यूटी है, और हिंदुस्तान की कोर्ट्स में 86 सीपीसी हटने के बाद हर आदमी को चाइना के खिलाफ मुकदमा डालने की इजाज़त होगी और उनका केस वे जीतेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट को उनको डैमेजेज पे करने पड़ेंगे। यह हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड के और कंट्रीज़ भी, अमेरिका, यूके, जर्मनी, सब जगह इस तरीके के सूट डालने की बात हो रही है। कई जगह डाले गए हैं और कंट्रीज में भी डाले जा रहे हैं। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।